हेलो, उत्थान साइंस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एल्केन श्रेणी। एल्केन श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे और इनके नियम साधारण नामकरण पढ़ लिए थे। अब पढ़ेंगे एल्केन श्रेणी के जो नियम है, आईयूपीएससी नामकरण के जो नियम है वो पढ़ेंगे। तो पहला नियम बता दिया था मैंने, लंबी श्रृंखला का क्या किया जाता है, चयन किया जाता है। लंबी श्रृंखला का क्या किया जाता है, चयन किया जाता है। लंबी श्रृंखला का क्या किया जाता है, चयन किया जाता है। और दूसरा पॉइंट है, क्या बताया था, इस श्रृंखला के बाहर निकली शाखा, इस श्रृंखला के बाहर निकली शाखा को निकली शाखा को प्रतिस्थापित समूह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रतिस्थापित समूह कहा जाता है। ये बात कर ली थी अपन ने भाई, एक कार्बन की एक लंबी श्रृंखला का क्या करते हैं, चयन करते हैं। उसके बाद में दूसरा पॉइंट है कि लंबी श्रृंखला, ये जो लंबी श्रृंखला है उसके बाद में क्या है, उसके ऊपर या नीचे की ओर क्या है, एक शाखा का क्या होता है, निर्माण होता है। बाहर निकली शाखा है जैसे इस तरह से है, CH3। अब देखो यहां पर ये क्या है, Br लगा दिया, ब्रोमो लगा दिया, तो ये तो देखो एक लंबी श्रृंखला का निर्माण कर लिया। उसके बाद में ये है ना, ये बाहर निकली शाखा है, ठीक है। इसके बाद में अगला पॉइंट क्या है, देखो इसी में ही इसकी बात कर ली थी भाई, जिधर कार्बन श्रृंखला है, कार्बन श्रृंखला की जो शाखा निकली हुई है, जिधर से शाखा निकली हुई है उसमें देखो, जैसे ये मान लो कि CH3 है, CH2 है, CH2 CH Cl क्लोरीन लगा दी, ठीक है, और CH3 है। तो इसके बाहर निकली, एक तो लंबी श्रृंखला का चयन कर लिया, उसके बाद में क्या है, ये बाहर निकली शाखा को प्रतिस्थापित समूह कहा जाता है। उसके बाद में क्या है कि इसका अंकन करते हैं, इस श्रृंखला का क्या करते हैं, अंकन करते हैं, ठीक है। इस श्रृंखला का क्या करते हैं, इस कार्बन श्रृंखला का क्या करते हैं, अंकन करते हैं। तो ये पॉइंट सुनो, देखो ये पॉइंट क्या है, देखो इस कार्बन श्रृंखला का अंकन करते हैं जिधर प्रतिस्थापित समूह को सबसे कम अंक मिले। ये पॉइंट याद रखना, देखो पहला तो है लंबी श्रृंखला का चयन करते, लंबी श्रृंखला किस तरह से, एक कार्बन की एक लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं इस तरह से, CH3, CH2, CH2, फिर CH2, फिर क्या है, CH2, ठीक है। ये तो एक लंबी श्रृंखला का निर्माण हो गया कार्बन की का। और इसके बाद में है कि श्रृंखला के बाहर निकली शाखा को, इस तरह से है, जैसे Cl लगा दिया मैंने, ठीक है, या Br लगा दिया, ठीक है। तो ये इस प्रकार से है कि कार्बन के बाहर निकली शाखा को प्रतिस्थापित समूह, Br को, Cl को क्या बोलेंगे, प्रतिस्थापित समूह कहा जाता है। इसके बाद में क्या है, कार्बन श्रृंखला का अंकन करते हैं जिधर प्रतिस्थापित समूह को सबसे कम अंक मिले, उधर से करते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगला पॉइंट है, देखो इसके बाद में अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है जो कार्बन है, कार्बन श्रृंखला का नामकरण करते समय प्रतिस्थापित समूह को सबसे पहले लिखा जाता है।
ठीक है, कार्बन श्रृंखला का जब भी नामकरण करते हैं तो प्रतिस्थापित समूह को सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है, क्या लिखते हैं, प्रतिस्थापित समूह को सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद में क्या है, देखो उसके बाद में क्या है, जैसे ये मान लो कि एक उदाहरण देकर समझाते हैं, और एक आता है जैसे अंक है, अंक अंक और किनके मध्य, अंक और क्या है, अंक और किनके मध्य, अंक है और, अंक है और क्या है, अंक और जैसे प्रतिस्थापित समूह है, ठीक है, प्रतिस्थापित समूह है, ठीक है, प्रतिस्थापित समूह जैसे लिखा जाता है तो उनके मध्य क्या लगाया जाता है, एक तो कोमा लगाया जाता है, ठीक है, क्या लगाया जाता है, कोमा लगाया जाता है, ठीक है, दो अंकों के बीच में जैसे दो अंक आ गए, ठीक है, टू टू डाई के लिए आ गया, अंक अंकों के मध्य, जैसे अंकों के मध्य तो क्या लगाया जाता है, कोमा लगाया जाता है, सॉरी अंकों के मध्य तो क्या लगाया जाता है, जैसे टू टू हो गया, ठीक है, तो इनके मध्य तो क्या लगाया जाता है, कोमा लगाया जाता है, और अंक और अंक और अंक और प्रतिस्थापित समूह है, प्रतिस्थापित समूह है, ठीक है, उनके मध्य एक हाइपन का चिन्ह आता है, किसका चिन्ह आता है, हाइपन का चिन्ह आता है, किसका चिन्ह आता है, हाइपन का यू आता है इस तरह से, ठीक है, जो किसके मध्य, अंक और जो प्रतिस्थापित समूह है जैसे क्लोरो है, ठीक है, इनके मध्य, ठीक है, ठीक है, इनके मध्य क्या है, ये हाइपर का चिन्ह है, ये क्या है, किसका चिन्ह है, हाइपर का चिन्ह है। तो कल अपन ने बात कर ली थी भाई, एक दो उदाहरण लेकर इनकी चर्चा कर ली थी, आज करेंगे किसकी बात, अगला उदाहरण क्या है, ठीक है, अगला उदाहरण क्या है, तो देखो इसके बारे में अपन समझते हैं क्या है। तो देखो सबसे पहला तो क्या है, एक साधारण सा देता हूं मैं आपको, ठीक है, तो देखो पहला तो CH3, एक दो तीन चार पांच छह सात, अब सात के ऊपर आ रहा है, ठीक है, यही सात के ऊपर आ रहा है, ठीक है, सात के ऊपर आ रहा है, तो सात के ऊपर देखो एल्केन श्रेणी में है, एकल बंध से जुड़ा हुआ है सब वो, ठीक है, एकल बंध से जुड़ा हुआ है। अब देखो इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है कि देखो कार्बन की संख्या को गिनकर लिखा जा सकता है, क्योंकि प्रतिस्थापित समूह जुड़े हुए नहीं है, किधर से भी कर लो अंकन, तो एक दो तीन चार पांच छह सात, ठीक है, सात के ऊपर क्या आता है, सात के ऊपर क्या आता है, हेक्ट आता है, हेक्ट प्लस कौन सी श्रेणी में है, एल्केन श्रेणी में है, अनुलग्न क्या आएगा, तो हेप्टेन आ गया, क्या आ गया, हेप्टेन आ गया, क्या आ गया, हेप्टेन, ठीक है, ये तो साधारण नामकरण हो गया, ये तो क्या आ गया, साधारण नामकरण हो गया, क्या हो गया, साधारण नामकरण हो गया। अब इसके बाद में एक एक उदाहरण और लेते हैं, देखो एक उदाहरण लेता हूं मैं, ठीक है, कि CH3 है, CH2 है, CH2 है, CHCl, CH3 है। देखो अभी जो नियम पढ़े थे ना अपन ने, वो देखो एक तो क्या है, एक लंबी श्रृंखला का चयन कर लिया, दूसरा क्या है, ये प्रतिस्थापित समूह है, ये क्या है, प्रतिस्थापित समूह है, ठीक है, ये क्या है, प्रतिस्थापित समूह है, इसके बाद में क्या है, ये प्रतिस्थापित समूह है, ठीक है, इसके बाद में क्या है, देखो अब अंकन करते हैं इस कार्बन श्रृंखला का, अंकन करते हैं तो किधर से करते हैं, जिधर प्रतिस्थापित समूह को सबसे कम अंक मिले, देखो इधर से करेंगे तो एक दो तीन चार के ऊपर आएगा प्रतिस्थापित समूह, और इधर से करेंगे तो एक दो दो के ऊपर आ जाएगा, तो इधर से करेंगे, ठीक है, एक दो तीन चार पांच, ठीक है। अब देखो पहला नियम तो क्या था कि लंबी श्रृंखला का चयन किया जाता है, दूसरा क्या है कि प्रतिस्थापित समूह जुड़ा हुआ है, ठीक है, बाहर निकली शाखा को प्रतिस्थापित समूह कहा जाता है, उसके बाद में अंकन का अंकन की बात आती है, तो अंकन जिधर से करते हैं, जिधर प्रतिस्थापित समूह को सबसे कम अंक मिल सके इस कार्बन श्रृंखला में, इसके बाद में क्या है, इसके बाद में क्या है, देखो अब देखो जब नामकरण करते हैं इसका, इस श्रृंखला का, इस कार्बन श्रृंखला का नामकरण करते हैं, तो सबसे पहले क्या है, प्रतिस्थापित समूह को लिखा जाता है, सबसे पहले किसको लिखा जाता है, प्रतिस्थापित समूह को लिखा जाता है, इसके बाद में सुनो देखो कैसे लिखेंगे, दो के ऊपर है टू, अब देखो ये क्या बताया था, हाइपन है, ठीक है, हाइपन है, दो के ऊपर क्या लगा हुआ है, क्लोरो, ठीक है, क्या लगा हुआ है, क्लोरो,
क्लोरो क्या है, टू क्लोरो, अब इसके बाद में है टू क्लोरो और क्या है, टू क्लोरो एक दो तीन चार पांच, टू क्लोरो पांच, पांच के ऊपर क्या आएगा, पेंटेन आएगा, क्या आएगा, पांच के ऊपर क्या आएगा, पेंटेन आएगा, क्या आएगा, पेंटेन आएगा, क्या आएगा, पेंटेन, ठीक है। इसके बाद में और देखते हैं, ठीक है, इसके बाद में और देखते हैं कि एक उदाहरण और देखते हैं, क्या देखते हैं, एक उदाहरण और देखते हैं, ठीक है, एक उदाहरण और देखते हैं, सी एस थ्री, ठीक है, समान समूह के ऊपर वाला वो देखते हैं उदाहरण, सी एच, सी एच और क्या है, सी एस थ्री। अब देखो यहां तो सी एल जुड़ा हुआ है, यहां पर बी आर जुड़ा हुआ है, ठीक है, यहां पर सी एल जुड़ा हुआ है, यहां पर बी आर जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो यहां पर देखेंगे, ठीक है, यहां पर देखेंगे तो देखो एक पहला नियम, तो एक लंबी श्रृंखला का क्या करते हैं, चयन कर लेते हैं, उसके बाद में ये क्या है, प्रतिस्थापित समूह जुड़े हुए हैं। अब अंकन की बारी आती है भाई, अब किसकी बारी आती है, अंकन की बारी आती है, तो देखो सबसे पहले अंकन की बारी आती है, पहले लंबी श्रृंखला का चयन कर लिया, फिर प्रतिस्थापित समूह है, दो दोनों हैं, दो हैं प्रतिस्थापित समूह जुड़े हुए, अब क्या है, दो जुड़े हुए हैं प्रतिस्थापित समूह, तो देखो इसको किस तरह से लिखेंगे, ठीक है, इसको किस तरह से लिखेंगे, अब इसकी अंकन की बारी आती है, तीसरा नियम क्या है, अंकन की बारी आती है, तीसरा नियम क्या है, अंकन की बारी आती है, उसके बाद में क्या है, उसके बाद में क्या है, देखो अंकन किधर से करते हैं, अब ये देखो एक छोड़कर दूसरे के ऊपर है और इधर से एक छोड़कर दूसरे के ऊपर है, तो देखो इसको एक छोड़कर दूसरे के ऊपर है, तो देखो अब इसमें अंकन की बारी आती है, तो देखो किधर से करेंगे, तो देखो जो अंग्रेजी का, अंग्रेजी का जो अक्षर है, अंग्रेजी का, अंग्रेजी का अक्षर है वो अल्फाबेट के अंदर है, अंग्रेजी का जो अल्फाबेट है वो सबसे पहले आता है ना, उधर से स्टार्ट करते थे, समान समूह के ऊपर जुड़ा हुआ है, तो देखो एक पहले बी आता है, सी आता है, पहले बी आता है, तो देखो उधर से स्टार्ट करते हैं, एक दो तीन और चार, तो देखो अब क्या करेंगे, इसका नामकरण कर लेंगे, इसका क्या करेंगे, नामकरण कर लेंगे, क्या कर लेंगे, नामकरण कर लेंगे, तो देखो इसके बाद में क्या है, इसका नामकरण करते हैं, तो देखो कैसे करते हैं, ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं नामकरण इसका, ठीक है, इसका नामकरण यहां लिख देता हूं, ठीक है, इसको मिटा देता हूं, यहां लिख देता हूं इसका नामकरण, ठीक है, तो देखो सबसे पहले टू हाइफन, दूसरा क्या है, ब्रोमो है, टू ब्रोमो, टू ब्रोमो, ठीक है, टू ब्रोमो, थ्री क्लोरो, थ्री क्लोरो क्या है, थ्री क्लोरो क्या है, थ्री क्लोरो, थ्री क्लोरो, अब समूह एक दो तीन चार, चार के ऊपर क्या आता है, ब्यूटेन, क्या आता है, ब्यूटेन, तो ये इसका उदाहरण है समान समूह के ऊपर, ठीक है, समान समूह के ऊपर देकर समझा दिया है। अब एक दो उदाहरण और लेते हैं, जैसे ये मान लो कि आइसोपेंटेन है, ठीक है, क्या है, आइसोपेंटेन है, क्या है, आइसोपेंटेन है, ठीक है, तो एक उदाहरण लेकर और समझते हैं, देखो क्या है, उदाहरण देकर और समझाते हैं, तो देखो क्या होगा, ठीक है, उदाहरण में देखो कि जैसे उदाहरण के तौर पर है कि एक तो क्या है आइसो, एक तो क्या है आइसो, आइसो, आइसो क्या है, आइसो, आइसोपेंटेन है, क्या है, आइसोपेंटेन है, ठीक है, आइसो के अंदर क्या है, देखो ये कार्बन है और यहां पर क्या है, ये जुड़े हुए हैं सी एस थ्री, सी एस थ्री, ठीक है, ये जुड़े हुए हैं सी एच, सी एच टू, सी एच टू, ठीक है, और अगला क्या है, एक एक दो तीन चार और एक क्या है, पांच, क्या है, पांच है, एक यहां नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा। अब देखो इसका कि ऐसे कार्बन श्रृंखला के अंदर है, इसका आइसोपेंटेन, ये किसका है, आइसोपेंटेन का है, ठीक है, ये किसका है, आइसोपेंटेन का है, आइसोपेंटेन में देखो, अब देखो एक लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं, किसका चयन करते हैं, एक लंबी श्रृंखला का क्या करते हैं, चयन कर लेते हैं, या तो इधर से कर लेते हैं या इधर से कर लेते हैं, या किधर से कर लेते हैं, इधर से कर लेते हैं इसका चयन, ठीक है, दोनों तरफ से कर सकते हैं इसका, ठीक है, इधर से भी कर लेते हैं, तो देखो यहां से इसका करते हैं, तो देखो एक है, एक समूह जुड़े हुए हैं ना, दो इसके ऊपर समूह जुड़े हुए हैं, एक दो तीन चार और क्या है, इसके बाद में क्या है,
ये प्रतिस्थापित समूह के रूप में लिखा जाता है, किसके रूप में लिखा जाता है, इसके प्रतिस्थापित समूह के रूप में लिखा जाता है। जैसे किस तरह से लिख सकते हैं इसको, CH CH3, और इधर से क्या है, इधर से ये क्या जुड़ा हुआ है, यहां जोड़ सकता हूं CH2 CH CH3, ये इसको इस तरह से, हाँ इसको इस तरह से जोड़ सकते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, और ये इसके साथ 5 है। तो देखो इसको क्या कैसे लिखेंगे, मैथिल समूह जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है, मैथिल समूह जुड़ा हुआ है, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, मैथिल समूह जुड़ा हुआ है ना, मैथिल समूह है 2 के ऊपर जुड़ा हुआ है, ठीक है, मैथिल समूह जुड़ा हुआ है 2 मेथिल, क्या होगा 2 मेथिल ब्यूटेन, मैथ एथ प्रो ब्यूट ब्यूटेन, ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और आगे उदाहरण है, एक नियोपेंटेन का है, एक किसका है, नियोपेंटेन का एक उदाहरण और है, ये आइसो का है, ठीक है, किसका है, आइसो का है, और एक उदाहरण देख और बताते हैं, ठीक है, एक है नियोपेंटेन का है, एक किसका है, नियोपेंटेन का है, किसका है, नियोपेंटेन है, किसका है, नियोपेंटेन का है। नियोपेंटेन में क्या है, जैसे ये कार्बन है, ठीक है, CH3 CH3 CH3, और इधर से CH3 है। अब देखो नियोपेंटेन में क्या है कि कार्बन के चारों ओर CH3 उपस्थित होते हैं, ठीक है, इसमें देखो यहां पर कार्बन के चारों ओर ये उपस्थित हैं, तो देखो 1 2 3, किधर से भी कर लो या इधर से कर लो, ठीक है, दोनों तरफ से कर लो, तो देखो इसमें क्या होगा, इसमें देखो 1 2 के ऊपर दो समूह उपस्थित हैं, दो के ऊपर क्या है, दो समूह उपस्थित हैं, ठीक है, दो के ऊपर दो समूह उपस्थित हैं, तो देखो दो के ऊपर दो समूह उपस्थित हैं, तो देखो क्या लिखना है, दो के ऊपर दो समूह उपस्थित हैं, तो क्या कैसे लिखना है, तो देखो इसमें क्या है, 2 2 कोमा लगा दिया ना, मोना के लिए बोला था, मोना 1 के लिए डाई, 2 के लिए ट्राई, 3 के लिए टेट्रा, 4 के लिए पेंटा, 5 के लिए, ठीक है, इस तरह से होगा। तो देखो यहां पर दो समूह जुड़े हुए हैं एक के ऊपर, ठीक है, CH3 CH3, तो 2 2, अब है 2 2 2 के ऊपर क्या था, डाई, 2 के लिए क्या होगा, डाई, 2 के लिए क्या होगा, डाई होगा, और कौन सा समूह जुड़ा हुआ है, मिथिल, कौन सा समूह जुड़ा हुआ है, मिथिल, CH3 को क्या बोलेंगे भाई, मिथिल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मिथिल है, यहां पर क्या है, मिथिल समूह है, ठीक है, ये क्या है, मिथिल समूह है, ठीक है, मिथिल समूह जुड़ा हुआ है। इसके बाद में क्या है, अब देखो 1 2 3 3 के ऊपर मेथ एथ प्रो, तो क्या होगा, प्रो सॉरी इधर नहीं होगा, पूरा नहीं आ रहा है, तो 2 2 2 2 2 डाई मेथिल प्रोपेन है, ठीक है। इसके बाद में है, इसके बाद में ये है, देखो ठीक है, इसके बाद में है भाई, ये अगला उदाहरण है, और इसके बाद में काफी सारे उदाहरण हैं, ठीक है, तो देखो एक उदाहरण और समझाता हूं आपको, ठीक है, एक समूह और समझाता हूं, ठीक है, और समझाता हूं, ठीक है, इसके बाद में क्या है, इसके बाद में क्या है कि अगला एक उदाहरण और है, मैं समझाता हूं उसको, ठीक है, एक उदाहरण और है, तो देखो CH3 CH, CH2 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 CH2, और CH3, तो देखो यहां पर है, एक तो कौन सा समूह जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है, एथिल समूह, और एक जुड़ा हुआ है एथिल समूह, ठीक है, एक क्या जुड़ा हुआ है, एथिल समूह जुड़ा हुआ है, ठीक है, इस तरह से जुड़ा हुआ है। तो देखो ये प्रतिस्थापित के रूप में हो गए, और ये भी क्या है, प्रतिस्थापित के रूप में हो गए दोनों,
किसके रूप में हो गए, प्रतिस्थापी के रूप में हो गए, दोनों किसके रूप में हो गए, प्रतिस्थापी के रूप में हो गए। ठीक है, एक लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। देखो इसकी कार्बन बैलेंस तो देख लेना, एक दो तीन चार, इसकी भी एक दो तीन चार। देखो एक लंबी श्रृंखला का क्या करते हैं, पहले चयन करते हैं, उसके बाद में क्या है, ये प्रतिस्थापित समूह होगी, क्या हो गए, प्रतिस्थापित समूह हो गए। ठीक है, क्या हो गया, प्रतिस्थापित समूह हो गए, उसके बाद में क्या है, प्रतिस्थापित समूह के बाद में क्या है। देखो देखो सबसे पहले किसको लिखा लिखा जाएगा, इधर से देखते हैं, इधर से देखते हैं, तो देखो एक के ऊपर है, एक है दो, इधर से स्टार्ट करते हैं एक, क्योंकि सबसे पहले ये आ रहा ना, इधर से एक दो तीन चार, चार के बाद में आ रहा है, तो यहां देखो ये हो गया ना। तो देखो इधर से स्टार्ट करते हैं, एक दो, दो के ऊपर है मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, दो के ऊपर तीन एथिल समूह, चार पांच छह। ठीक है, तो इस तरह से करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले क्या है कि नामकरण करते हैं, इसका नामकरण करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या, प्रतिस्थापित समूह को लिखा जाता है, तो किसके ऊपर आ रहा है, दो के ऊपर आ रहा है, लगा दिया हाइफन का चिन्ह। ठीक है, इसके बाद में क्या है, दो के ऊपर आ रहा है, लगा दिया, और ये कौन सा समूह है, एथिल समूह है, एथिल समूह जुड़ा हुआ है ना, ये कौन सा समूह जुड़ा हुआ है, एथिल समूह जुड़ा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, मेथिल समूह बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मेथिल समूह बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद में क्या है, अब देखो तीन के ऊपर, किसके ऊपर, तीन के ऊपर जुड़ा हुआ है, तीन के ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, तीन के ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, किस कौन सा जुड़ा हुआ है, मेथिल समूह जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इसके बाद में अब इसका काम पूरा हो गया, लंबी श्रृंखला का चयन कर लिया, प्रतिस्थापित अंकन कर लिया, इसका नामकरण करेंगे। ठीक है, नामकरण करेंगे तो इस जैसे प्रतिस्थापित समूह और इस अंक के बीच में क्या है, ये हाइफन का चिन्ह लगा दिया। ठीक है, तो इसके बाद में क्या है, अब मेथिल कर दिया, इसके बाद में एक दो तीन चार पांच छह, छह के ऊपर क्या आता है, हेक्स आता है ना, क्या आता है, क्या आता है, हेक्स आता है, तो क्या हो गया, हेक्सेन, क्या हो गया, हेक्सेन, क्या हो गया, हेक्सेन। ठीक है, इसके बाद में और भी है, एक उदाहरण देकर और समझाता हूं। ठीक है, एक उदाहरण देकर और समझाता हूं क्या है क्या नहीं है। ठीक है, देखो इसके बाद में क्या है, देखो इसके बाद में है एक जैसे आइसो ऑक्टेन है, जैसे आइसो ऑक्टेन का है। ठीक है, आइसो ऑक्टेन में देखो क्या है, आइसो ऑक्टेन में क्या है, CH3 है, CH3 है, और इधर भी क्या है, CH3 है। ठीक है, ये इधर भी क्या है, CH3 है। इसके बाद में क्या है, देखो यहां पर CH2 है। ठीक है, CH2 है, और इसके बाद में क्या है, CH है, और इधर की क्या है, CH3 जुड़ा हुआ है, इधर भी क्या है, CH3 जुड़ा हुआ है। तो देखो इसका, इसको किस तरह से लिखते हैं। ठीक है, इसको किस तरह से लिखते हैं, तो देखो एक लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। ठीक, क्या करते हैं, लंबी श्रृंखला का क्या करते हैं, चयन कर लेते हैं इधर से, या तो इधर से कर लो इसको, या कर लो फिर इधर से कर लो इसको यू। ठीक है, इधर से कर सकते हैं। तो अब अंकन करेंगे, अब अंकन करेंगे तो किधर से करेंगे, इधर से करेंगे, क्योंकि दो समूह जुड़े हुए हैं एक ही साथ। ठीक है, एक साथ जब दो समूह जुड़े हुए हैं, ठीक है, इधर से, तो एक दो तीन चार और पांच। ठीक है, अब देखो अब इसका नामकरण करता हूं, इसका नामकरण करता हूं। तो देखो सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन कर लिया, उसके बाद में क्या कर लिया, ये प्रतिस्थापित समूह जुड़े हुए हैं, ये क्या जुड़े हुए हैं, प्रतिस्थापित समूह जुड़े हुए हैं। ठीक है, क्या जुड़े हुए हैं, प्रतिस्थापित समूह जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसके बाद में क्या है, देखो इसके बाद में क्या है, तो देखो ये प्रतिस्थापित समूह के रूप में जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है, प्रतिस्थापित समूह के रूप में एक ये जुड़ा हुआ है, इसके साथ ही अगर इसका करते हैं अंकन तो ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो देखो दो के ऊपर टू टू डाई, दो के लिए डाई आएगा। ठीक है, दो के लिए टू टू डाई, अब कौन सा है, मेथिल। ठीक है, कौन सा है, मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, कौन सा जुड़ा हुआ है, मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, कौन सा समूह जुड़ा हुआ है, मेथिल समूह जुड़ा हुआ है। तो देखो इससे पहले देखो एक दो और एक ये इसके ऊपर भी जुड़ा हुआ है, ये इसके ऊपर भी जुड़ा हुआ है, तो देखो यहां पर ये फोर और तीन के लिए ट्राई, क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल जुड़ा हुआ है, तो मेथिल मेथिल। अब देखो एक दो तीन चार पांच, पांच के ऊपर क्या होगा, पांच के ऊपर क्या होगा, पेंटेन होगा, क्या होगा, पेंटेन होगा, क्या होगा, पेंटेन होगा। ठीक है, ये क्या होगा, पांच के लिए क्या होगा, पेंटेन होगा। इसके बाद में एक उदाहरण देकर और बताता हूं। ठीक है, उदाहरण देकर और बताता हूं। ठीक है,
और जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी प्रैक्टिस करना, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, ठीक है, एक बात बताता हूं कि इसका बना के बताना मेरे को, टू टू आई टू क्लोरो थ्री फ्लोरो ब्यूटेन टू फ्लोरो ब्यूटेन। अब सुनना देखो इसको किस तरह से लिखेंगे, अब ये बताना देखो मेरे को, ये क्या है, ब्यूटेन है ना, ठीक है, ब्यूटेन है, मैं एट प्रोप ब्यूट, ये चार लगा दिए, ठीक है, चार लगा दिए, दो के ऊपर क्लोरो लगाना है, सीएल जोड़ दिया, दो के ऊपर क्लोरो लगाना है, तो अब क्या है, तीन के ऊपर क्या लगाना है, फ्लोरो लगाना है, जैसे जैसे बोलता जाता है ना वैसे वैसे करते जाओ। अब इसकी कार्बन की बैलेंसिंग करते हैं, कार्बन की संयोजकता पूरी करते हैं, देखो यहां पर लगाता होना थ्री, तो ये हो जाता पूरा इसका कार्बन का तीन और एक चार, इसके बाद एक दो और ये तीन और ये चार, ठीक है, इसके बाद में क्या है, एक दो और तीन और एक ये चार, और इसके बाद में ये इसकी बैलेंसिंग। तो इसको इस तरह से कर सकते हैं, भाई देखो ये दो के ऊपर है, अब देखो लंबी श्रृंखला का चयन कर लिया, ये प्रतिस्थापित समूह जुड़े हुए हैं, ठीक है, प्रतिस्थापित समूह जुड़े हुए हैं, तो देखो किधर से करेंगे, इधर से करेंगे, क्योंकि दोनों समान समूह के ऊपर जुड़े हुए हैं, तो इसमें देखो कैसे करेंगे, जो अंग्रेजी का अल्फाबेट अक्षर है उसको सबसे पहले, जो पहले आता है उसको सबसे पहले अंक देते हैं, दो तीन चार प्रतिस्थापित। अब नामकरण करेंगे तो देखो दो के ऊपर क्या है, क्लोरो, और तीन के ऊपर क्या है, फ्लोरो, क्या है, तीन के ऊपर क्या है, फ्लोरो, एक दो तीन चार, चार के ऊपर क्या है, मैथ है तो ब्यूट, ठीक है। इसके बाद में एक दो उदाहरण देखकर और बताता हूं, ठीक है, एक उदाहरण देकर और बताता हूं, टू आइडो अगला है, टू आइडो थ्री नाइट्रो ब्यूटेन क्या है, थ्री नाइट्रो ब्यूटेन है। तो देखो इसमें क्या है, अब नाइट्रो का है NO2, ठीक है, क्या है, NO2 है, ठीक है, NO2 है, और आइडो का क्या है, आई है, सुनना देखो, ब्यूटेन है, एक दो तीन चार लगा दिया ना, इसके बाद में क्या है, दो के ऊपर आइडो के लिए बोल रहा है, ये लगा दिया आइडो, तीन के लिए नाइट्रो बोल रहा है, तो तीन के लिए ये नाइट्रो लगा दिया, ठीक है। अब इसका बैलेंसिंग पूरी कर लेते हैं, ये थ्री हो गया, इसका फोर हो गया ना, भाई तीन एक चार, इसका भी कर लेते हैं, ठीक है, एक दो तीन और एक चार, इसका भी देखो एक दो तीन और एक चार, और इसका सी। अब देखो एक लंबी श्रृंखला का चयन कर लिया, प्रतिस्थापित समूह जुड़े हुए हैं, आइडो और नाइट्रो जुड़ा हुआ है, अब देखो अंकन किस तरह से करते हैं, अंग्रेजी दोनों समान समूह के ऊपर जुड़े, एक दो तीन चार, चार के लिए ब्यूटेन है, पहले है टू आइडो थ्री नाइट्रो ब्यूटेन, ठीक है, समझ में आया होगा। अगली श्रेणी में क्या है, देखो ये तो एल्केन का था, ठीक है, आपको समझ में आया होगा, अब है अगली है एल्कीन, एल्कीन का नामकरण, ठीक है, एल्कीन श्रेणी के नियम, किसके नियम, जो आईयूपीएससी जो नामकरण किया जाता है उसके नियम क्या है। देखो सबसे पहले वही है, लंबी श्रृंखला का क्या किया जाता है, लंबी श्रृंखला का चयन किया जाता है। उसके बाद में दूसरा पॉइंट क्या है,
कार्बन के बाहर कार्बन श्रृंखला के बाहर निकली शाखा को प्रतिस्थापित समूह कहा जाता है। इसके बाद में अगला पॉइंट है कार्बन श्रृंखला का अंकन करते समय अंकन करते समय सबसे कम अंक द्विबंध को मिलना चाहिए। देखो ये नियम है ना, ये नियम याद ही कर लेना भाई, ये नियम तो याद करने ही पड़ेंगे आपको, ठीक है। ये नियम तो याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है यहां से लेकर यहां तक का। इसमें द्विबंध को सबसे कम अंक मिलना चाहिए था, उसमें एल्काइन श्रेणी में क्या है, त्रिबंध को सबसे कम अंक मिलना चाहिए था। जिधर त्रिबंध होगा सबसे कम अंक देंगे उसको, ठीक है, श्रृंखला के अंदर। जैसे ये मान लो कि यहां पर है CH3 है, CH2 है, CH2 है, इधर CH2 है। अब बताओ मेरे को, इसका अंकन करूंगा देखो द्विबंध को सबसे कम अंक, देखो लंबी श्रृंखला का चयन कर लिया, लंबी श्रृंखला का चयन करने के बाद में क्या है कि यहां पर लंबी श्रृंखला का चयन तो कर लिया, पर अब प्रतिस्थापित समूह जुड़ा हुआ नहीं है, इसके बाद में क्या है अब सबसे कम अंक किसको मिलना चाहिए, द्विबंध को सबसे कम अंक मिलना चाहिए। तो इधर से स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3, 4। तो देखो ये क्या होगा कि यहां पर लिखेंगे 1, ठीक है, 1 क्या होगा, 1 हाइपर 1, 2, 3, 4, 4 के ऊपर क्या आता है, मैथ एट प्रोप ब्यूट, ब्यूट तो क्या होगा, ब्यूटीन, क्या होगा, ब्यूटीन। इस तरह से होगा, सबसे कम अंक किसको मिलना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में क्या है देखो द्विबंध को सबसे कम अंक मिल गया, वही अगला नियम, वो सेम का सेम वही नियम रहेंगे, वो के वही नियम रहेंगे भाई, अंक और जैसे प्रतिस्थापित समूह के मध्य क्या लगाया जाता है हाइपर का चिन्ह लगाया जाता है। किसका चिन्ह लगाया जाता है, हाइपर का चिन्ह लगाया जाता है। इसके बाद में जैसे अंक आगे दो समान समूह के ऊपर जुड़े हुए हैं, ठीक है, एक ही कार्बन के ऊपर दो प्रतिस्थापित समूह जुड़े हुए हैं, ऐसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो देखो इसको किस तरह से लिखेंगे कि दो अंक है, देखो दो अंक जुड़े, दो प्रतिस्थापित समूह जुड़े हुए हैं एक एक इस कार्बन के ऊपर, तो जैसे दो के ऊपर जुड़े हुआ है, तो इस यहां पर दो के लिए क्या बोलेंगे, डाई बोलेंगे। तो ये मैंने पहले भी बता दिया, ठीक है। इसके बाद में है अगला उदाहरण देता हूं मैं एक, ठीक है। तो ये नियम तो याद होने चाहिए, ठीक है, नियम तो याद होने ही चाहिए आपको। इसके बाद में आगे है तो देखो इस CH2, CH3, CL है, यहां पर क्या है CH2। अब इसके बाद में क्या है कि यहां पर क्या है, ये जोड़ दिया,
कि डबल बंद जोड़ दिया और सी एच थ्री जोड़ दिया, ठीक है, सी एच टू जोड़ दिया सॉरी, और यहां पर क्या है ऐसे कैसे रख दिया, ये रख दिया। देखो सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन कर लिया, इसके बाद में प्रतिस्थापित समूह जुड़ा हुआ है, इसके बाद में अंकन का नंबर आता है। मैंने क्या बोला था, इसकी शर्त क्या है, इसकी शर्त क्या है कि सबसे कम अंक किसको मिलना चाहिए, प्रतिस्थापित समूह को सॉरी द्विबंद को मिलना चाहिए। तो इधर से स्टार्ट करेंगे, एक दो तीन चार, तो क्या लिखेंगे अब लिखते समय, अभी लिखते समय क्या लिखेंगे कि जैसे प्रतिस्थापित समूह को सबसे पहले लिखेंगे, किसको लिखेंगे, प्रतिस्थापित समूह को सबसे पहले लिखेंगे, जैसे नामकरण करते हैं ना इनका, नामकरण नामकरण करते हैं तो प्रतिस्थापित समूह को सबसे पहले लिखेंगे। तो देखो क्या होगा, नामकरण करेंगे तो सबसे पहले प्रतिस्थापित समूह को फोर 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 हाइपन क्लोरो फोर हाइपन क्लोरो। अब क्या है, अब किसका नंबर आएगा भाई, इसका नंबर तो आ गया ना एक का भाई, लंबी श्रृंखला का चयन कर लिया, इसके बाद प्रतिस्थापित समूह जुड़ा हुआ है, इसके बाद प्रतिस्थापित समूह जुड़ा हुआ है। अब सबसे पहले अंक का नंबर आता है तो सबसे कम अंक किसको देना चाहिए, किसको देना चाहिए, इसको द्विबंध को देना चाहिए। उसके बाद में क्या है कि जैसे नामकरण करेंगे तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, प्रतिस्थापित समूह को लिखेंगे, तो फोर हाइपन क्लोरो। इसके बाद में किसका लिखेंगे, इसके बाद में क्या है, हाइपन वन हाइपन एक दो तीन चार, चार के ऊपर क्या आता है, चार के ऊपर क्या आता है, मैच एच प्रोप ब्यूट, तो क्या आएगा, ब्यूटीन, किसका आएगा, ब्यूटीन, ठीक है सॉरी इधर लिखता हूं, फोर हाइपन क्लोरो हाइपन वन हाइपन क्या होगा, ब्यूटीन, क्या होगा, ब्यूटीन, ये इसका नामकरण होगा। अब देखो इसके बाद में क्या है, इसके बाद में देखो एक उदाहरण और देकर बताता हूं, एक उदाहरण देकर और बताता हूं, इसके बाद में क्या है, इसके बाद में क्या है, देखो कि यहां पर है CH3 है और CH3 है, ये जुड़े हुए हैं आपस में, ये सी, ठीक है, ये जुड़े हुए हैं, और यहां पर क्या है, CH2 है। तो देखो अब सुनो, देखो अब यहां पर देखेंगे तो देखो कहां लंबी श्रृंखला का क्या कर लिया, चयन कर लिया, लंबी श्रृंखला का क्या कर लिया, चयन कर लिया। तो सबसे कम अंक किसको मिलना चाहिए, द्विबंध को मिलना चाहिए, एक दो तीन, ठीक है तीन। अब देखो ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो देखो दो के ऊपर दो समूह जुड़े हुए हैं ना, दो के ऊपर ये सॉरी दो के ऊपर ये समूह जुड़ा हुआ है, तो देखो टू टू मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, ये वाला एक मेथिल मेथिल टू मेथिल क्या होगा, टू मेथिल वन मैथ प्रो वन तिल प्रोपीन क्या होगा, वन टू मेथिल, दो के ऊपर देखो दो जुड़ा हुआ है ना, इधर से स्टार्ट करेंगे, दो के ऊपर यहां जुड़ा हुआ है मेथिल समूह, ये रहा, ठीक है इसको इस तरह से लिख सकते हैं, सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड सी एस टू, और इधर जुड़ा हुआ है ये वाला, देखो ये वाला ऐसे भी लिख सकते हैं, वन टू थ्री, ठीक है तो देखो वन वन टू थ्री, तो देखो इधर से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, टू ये समूह लिखेंगे मेथिल टू मेथिल, इसके बाद में क्या लिखेंगे, वन वन क्या लिखेंगे, एथ मैथ प्रोप, तो क्या लिखेंगे, प्रोपीन, हाइपन का चिन्ह लगा देना यहां, ठीक है ये हो गया। इसके बाद में, इसके बाद में एक और उदाहरण है, एक और उदाहरण है, इसके बस लास्ट है, एक उदाहरण लास्ट है भाई, देखो लास्ट है, फिर ये भी कंप्लीट हो जाएगी, फिर अगले कल करवाएंगे और, तो ना एक उदाहरण देख रहा बताता हूं, फिर कल करवाएंगे और, ठीक है और, तो देखो एक उदाहरण है सी एस थ्री, ये समझ लेना भाई, ठीक है ये उदाहरण समझ लेना, हमारे जो टेक्निकल स्टाफ है ना वो बार बार बोल रहे हैं भाई टाइम ज्यादा हो गया, टाइम ज्यादा हो गया, तो एक बार
ये देखो CH2 यहां पर क्या जुड़ा हुआ है, कौन सा समूह जुड़ा हुआ है CH, यानी कि डबल बॉन्ड में है, किसमें है डबल बॉन्ड में है, ठीक है, किसमें जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड में जुड़ा हुआ है U, 1 2 3 4, 1 2 3 4 यहां पर ये जुड़ा हुआ, ठीक है, ये जुड़ा हुआ होगा ना, ये होगा, ठीक है, ठीक है ना, हाँ सही है, दो ऐसे लिख लेते हैं इसको ना, एक लंबी श्रृंखला का चयन कर लिया भाई यू, सॉरी इसको नहीं करेंगे, ठीक है, एक लंबी श्रृंखला का चयन इस तरह से करेंगे, एक लंबी श्रृंखला का देखो इधर क्या आ रहा है, ये 1 2 3 4 5 और इधर से 1 2 3 4 5 6, इसको एक कर देते हैं CS3, तो देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, तो देखो अब किधर से करेंगे अंकन स्टार्ट करेंगे, एक यहां से 1 2 3 4 5, ठीक है, इस तरह से करेंगे ना, तो देखो यहां पर क्या कैसे लिखेंगे, दो के ऊपर क्या रहा है, दो के ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, दो के ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, इधर वाला मेथिल समूह, क्या जुड़ा हुआ है मेथिल समूह, 2 मेथिल हाइपन ठीक है, 2 मेथिल हाइपन है ना, मैं इसकी सोचने लग गया भाई ये गलत हो जाएगा, ठीक है, मैं इसकी सोचने लग गया भाई गलत हो जाएगा, तो मैं इसको देख रहा हूं, देखो 2 मेथिल, ठीक है 2 मेथिल, अब क्या है 1 1 1 हाइपन, 1 2 3 4 5, 5 के ऊपर क्या होगा पेंटीन, क्या होगा 5 के ऊपर क्या होगा पेंटीन होगा, क्या होगा 5 के ऊपर क्या होगा पेंटीन होगा, आज के लिए काफी है, आगे कल बताएंगे एल्काइन श्रेणी के नियम और उदाहरण बताएंगे, ठीक है, और अब क्या है, अब SR स्टडी पॉइंट वाले यहां इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे, ठीक है, ठीक है, बाय।